हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं गीकी टेक्निका और आज की इस न्यू वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही कूल न्यू फीचर के बारे में। सो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ने हाल ही में जो है अपना एक बहुत ही अच्छा फीचर लॉन्च किया है और वो फीचर है उसका खुद का ऑफिशियल फिंगरप्रिंट लॉक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग यूज करते थे ऐप लॉकर जैसे थर्ड पार्टी ऐप, सो अभी जो है उसका टाइम चले गया है। वैसे तो फिंगरप्रिंट लॉक जैसा फीचर जो है iOS में व्हाट्सएप ने बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका है, बट एंड्रॉइड में जो है वो हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि iOS में आपको जितने फिंगरप्रिंट लॉक के एडिशनल ऑप्शंस मिलते थे, फीचर्स मिलते थे, उससे कई ज्यादा आपको जो है एंड्रॉइड में व्हाट्सएप ने जो है प्रोवाइड किया है, तो आपकी खुशी में चार चांद लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना ये ऐप लॉक अच्छी तरीके से चलता है या नहीं, और इसमें और कौन से एडिशनल जो है आपको फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसे किस तरीके से आपको जो है अनेबल करना है, ये सब जानने के लिए आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखना रहेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही सिंपल आपको स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। सबसे पहले हम जो है अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थ्री डॉट्स पे जो है आपको जाना है एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको अकाउंट्स में जाना रहेगा। अकाउंट्स में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे प्राइवेसी में जाना रहेगा। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम नीचे आपको जो है फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन पहले से ही बाय डिफॉल्ट दे दिया जाता है, तो आपको यहाँ जाना है एंड यहाँ जाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन यहाँ पर जो है डिसेबल है, आपको इसे अनेबल कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे अनेबल करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस के पीछे जो है मेरे को फिंगरप्रिंट दे दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जैसे ही इसे यहाँ पे टच करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टच द फिंगरप्रिंट सेंसर, तो मैं यहाँ पर जो है इसे टच करता हूँ तो यहाँ पर जो है बहुत ही आसानी से ये जो है मेरा फिंगरप्रिंट रीड कर लेता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है मेरा फिंगरप्रिंट लॉक जो है यहाँ पे अनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको एडिशनल फीचर्स भी जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलता है। अब ये तीन ऑप्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको जो है समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इमीडिएटली आफ्टर वन मिनट आफ्टर 30 मिनट्स का आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। अगर आप इमीडिएटली अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप से बाहर चले जाएंगे तो आपको फिर से अगर व्हाट्सएप के अंदर आना रहेगा तो आपको फिंगरप्रिंट जो है व्हाट्सएप आस्क करेगा। और यहाँ पर जो है दूसरा आपको आफ्टर वन मिनट एंड आफ्टर 30 मिनट भी जो है आप जैसे ही व्हाट्सएप के बाहर चले जाएंगे एंड फिर से आपको जो है व्हाट्सएप को जो है ऑन करना रहेगा तो आपको ये वन मिनट या फिर आपको जो है 30 मिनट्स के बाद आपको ये पूछेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको एक और जो है एडिशनल फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वो एडिशनल फीचर क्या है वो मैं आप सबको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि शो कंटेंट इन दी नोटिफिकेशन और ये जो है अनेबल है। तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि प्रीव्यू सेंडर एंड मैसेज टेक्स्ट इनसाइड न्यू मैसेज नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर जो है मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे ही सामने वाली पार्टी जो है हमें कोई भी मैसेज सेंड करती है तो वो जो है हमें नोटिफिकेशन पे हमारे लॉक स्क्रीन पे एंड हमारी जो है नोटिफिकेशन बार पे हमें वो जो है दिखता है। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ये अनेबल रहेगा तो ये हमें जैसा पहले हमें दिखाता था वैसा ये जो है हमें अभी भी दिखाएगा, हालांकि हमारा फिंगरप्रिंट लॉक जो है इस पे अनेबल रहेगा बट देन ऑल्सो वो हमें दिखाएगा। अगर हम जो है इसे ऐसा कर देंगे, इसे डिसेबल कर देंगे, तो हमें जो है हमारे मैसेजेस जो हमें किसी ने सेंड किया है वो ना तो हमारे लॉक स्क्रीन पे दिखेंगे और वो ना ही हमारे नोटिफिकेशन बार पे दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये एक फीचर जो है मुझे व्हाट्सएप का बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो एडिशनल फीचर ये लोग ने दिए हैं वो जो है बहुत अच्छा लगा। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू फीचर आया है वो जो है बीटा वर्जन में आया है। अब बीटा वर्जन क्या होता है और उसे अपने व्हाट्सएप में कैसे एनेबल करना है, अगर आपको वो जानना है तो उसका भी वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके जो है उसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो है बीटा वर्जन में आया है एंड बीटा वर्जन की 2.19.221 वर्जन में ये जो है आया है एंड जो लोग बीटा वर्जन नहीं है उनके भी डिवाइस में जो है वन वीक के अंदर ये फीचर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो में विद न्यू टिप्स ट्रिक्स अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड ब्लॉग के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में जो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है आप उसे अनेबल जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स आप उनके साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है व्हाट्सएप की इस न्यू फीचर के बारे में पता चल सके। एंड फ्रेंड्स, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि व्हाट्सएप की ये आपको नई फीचर कैसे लगी और उसमें जो है व्हाट्सएप और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है एंड आपको और कौन से वीडियोस हमारी तरफ से चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।